मुझे ठंडा लग रहा है, वहाँ पे लोग मिस्त्री लोग हंस रहे हैं, हमको देख के नहीं, मतलब आपस में देख के हंस रहे हैं। और मैं ये वाली क्यारी के आज घास निकालने वाली हूँ, जितना निकाल पाऊँगी इतना निकालूँगी। और पहले तो मैं ले आई हूँ प्याज, और इस वाली क्यारी में हम थोड़ा सा यहाँ तक गए थे, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इसको। अदरक तो घर पर डालूँगी, पुदीना में मैंने ले लिया, पालक भी ले लिया है। तो मैंने कितनी मूली उखाड़ी है और मूली का पराठा बनाने के लिए। और ये मूली तो सबसे मोटी है यार, सबसे मोटी ये वाली मूली है, ये देखिए इसकी, ये देखिए सबसे मोटी मूली है ये। तो मैंने इतना मूली उखाड़ा है, और यहाँ पे भी मूली है, कई मूली है अभी। और यहाँ पे हमने मूली फिर से बो रखा है, क्योंकि मूली थोड़ा खाने में टेस्टी भी आती है। लहसुन की गुड़ाई करनी है, जो कि अभी मैं नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा कर ली हूँ, मतलब ले ली हूँ पुदीना, और पुदीने के साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे पालक जो है। तो आजकल मैं पालक और पुदीना अदरक डाल के इसका जो पेस्ट है बना लेती हूँ, और उसी को पीती हूँ, कि बीमारी की वजह से ना बार बार बीमार हो जाती हूँ, तो मुझे बहुत ही वीकनेस हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं पालक, कहते हैं ना पालक जो है फायदेमंद होता है, तो मैंने सोचा जब पालक फायदेमंद होता है तो मैं इसी को चल रही हूँ पीस के पीने। तो मैंने इतना लिया है पालक, और इसे मैं डाल दूंगी पुदीना अदरक। अदरक तो घर पे डालूंगी, पुदीना में मैंने ले लिया, पालक भी ले लिया है। सबसे पहले मैं करती हूँ क्या, हम सब्जियों को तोड़ लेती हूँ जितनी भी सब्जियाँ रहती हैं। और मैं यहाँ पे इसका जो आप सोच रहे होंगे धनिया का मुंडी भी तोड़ रही हैं, तो धनिया का मुंडी इसलिए तोड़ रही हूँ जी, ये इसमें फूल ना आए, तो इसलिए मैं इसकी मुंडी तोड़ ले रही हूँ। और फिर इसके बाद पत्तियाँ इसकी हम तोड़ लेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसकी सारी मुंडियाँ हम तोड़ दे रहे हैं कि नए सिरे से फिर से निकलना शुरू करेगा पत्ती। और अगर ना तोड़ती ना, तो यहाँ पे देख लीजिए धनिया की जो मुंडी है तोड़ दी है मैंने। और यहाँ पे हमने ले लिया धनिया ताजी ताजी से, धनिया की जो ना फूल है निकलना शुरू हो गया है, तो मैं इसकी मुंडी इसकी भी तोड़ लूँगी, क्योंकि अभी से धनिया आना शुरू हो जाएगा तो मुझे धनिया नहीं खिलाएगी, इसलिए मैं इसकी मुंडी तोड़ लूँगी। तो धनिया ये देखो मुंडी तोड़ते तोड़ते टहनी भी टूट गई इसकी, ये देखिए बो रखा है यहाँ पे भी, और वहाँ मूली में भी डाल रखा है। और कल ये पालक मैं तोड़ के ले जाऊँगी, तो इसका बनाऊँगी सफेदा उड़द की दाल के साथ। मुझे ठंडा लग रहा है, वहाँ पे लोग मिस्त्री लोग हंस रहे हैं, हमको देख के नहीं, मतलब आपस में देख के हंस रहे हैं। और मैं ये वाली क्यारी के आज घास निकालने वाली हूँ, जितना निकाल पाऊँगी इतना निकालूँगी। और पहले तो मैं ले आई हूँ प्याज, और इस वाली क्यारी में हम तो मैंने कितनी मूली उखाड़ी है, और मूली का पराठा बनाने के लिए। और ये मूली तो सबसे मोटी है यार, सबसे मोटी ये वाली मूली है, ये देखिए इसकी, ये देखिए सबसे मोटी मूली है ये। तो मैंने इतना मूली उखाड़ा है, और
यहाँ पे भी मूली है, कई मूली हैं अभी। और पुदीने के साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे पालक जो है, वो आजकल मैं पालक और पुदीना अदरक डाल के इसका जो पेस्ट है बनाती हूँ और उसी को पीती हूँ। कि बीमारी की वजह से ना बार बार बीमार हो जाती हूँ, तो मुझे बहुत ही वीकनेस हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं पालक, कहते हैं ना पालक जो है फ़ायदेमंद होता है, तो मैंने सोचा जब पालक फ़ायदेमंद होता है तो मैं इसी को चल रही हूँ पीस के पीने। तो मैंने इतना लिया है पालक और इसी में डाल दूँगी पुदीना अदरक। प्लॉट पे आते ही सबसे पहले मैं सब्जियों को चेक करती हूँ कि कौन सी सब्जी मुझे तोड़ के ले जानी है, कितनी सब्जी है, क्या क्या है। हालांकि अभी सब्जी नहीं है इस समय, बस मूली है और उसके बाद बैंगन है और पालक है, धनिया है, लहसुन है और मिर्च है। मतलब जैसा कि सब्जी में पालक भी बहुत कम ही है और बैंगन है, जो कि बैंगन सभी लोग नहीं खाते हैं। और अब मैं जैसे डाल रही हूँ, जैसे प्याज है, अभी मैं प्याज इसमें डाल रही हूँ। तो ये क्यारी जो मैं आपको पूरी लंबी वीडियो में दिखा दिया है और बाद में भी मैं शेयर कर दूँगी। और ये साइड में जो ये देखिए सामने मेरे जो चेहरे पर आ रहा है ना, ये छोटी सी लकड़ी है। और मैंने सोचा कि यार ये कैमरे के सामने क्या आ रहा है, इतना बड़ा सा पेड़ कहाँ से आ गया, जबकि ये छोटी सी लकड़ी है और पूरे मतलब मेरे फेस पे आ रहा है। और सच में कहते हैं ना, कैमरे में कुछ भी अलग से दिखने लगता है, जैसे कि मेरा जो फेस है वो अच्छा नहीं दिखता है। मैं रियल में बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन बट मेरा जो फेस आता है वो बहुत ही गंदा आता है। और इस साइड में आपको ग्रीन ग्रीन से दिख रहा है ना, तो ये सागे प्याज है जो कि मैं अभी बो रही हूँ ना, उसी का बड़ा हुआ प्याज है ग्रीन ग्रीन। और अभी मैं प्लॉट पे आई तो मुझे गर्मी लग रही है, सच में बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर घर में मैं रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है, और मेरे जितने भी दोस्त तो मेरे बीवर्स हैं, वो लोग कहते क्या इतनी ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि आप लोग बाहर निकलते हो, आप लोगों को उतनी ठंडी नहीं लगती। और मैं बाहर आई, देखिए मैं शॉल उस पर सहजन का पेड़ है उस पर मैंने रख दिया। और जब खुद से कोई चीज़ अगर आप उगाते हो, उसका जो है वैल्यू बहुत ही होता है। तो ये सहजन का पेड़ मैंने टहनी लगाई थी, और आज देखिए ये सहजन का पेड़, एक इधर साइड में मैंने दिखाया नहीं आपको, वो इससे बड़ा है। तो इसमें थोड़ी सी टहनी है रखने लायक, अब वो सीधा चली गई है, और उस साइड में रखूँगी नहीं, क्योंकि उस साइड श्रीलन भी है और ये मेरे गेट के पास ही पड़ता है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, और मैंने यहाँ पे बैंगन बो के रखा था, तो जियो की बैंगन तो बहुत ही अच्छा आया है, लेकिन अभी बहुत ही छोटा सा बैंगन है, उसके बाद इसमें फूल लगना शुरू हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर ये छोटा सा बैंगन इसमें फल आ जाएगा तो कैसे दिखेगा, एकदम छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बैंगन है। और यहाँ पे पूरे घास, जब से मैंने इसको लगाया तब से मैंने इसके घास की सफाई नहीं करी। और उसके बाद मैं आई घर पे, घर पे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने किया मसालदानी को सही, और मैंने यहाँ पे अदरक, मतलब अदरक नहीं, सॉरी वो पुदीना है, उसको कट किया। और उसके बाद मैं बना रही हूँ यह सब्जी, तो सब्जी में लहसुन प्याज अदरक मसाला सब हमने ग्राइंड किया, उसके बाद डाला। और फिर मसाले की बारी आई तो मसाला ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा चलो भाई मसालदानी में हम पूरे मसाले को डाल देते हैं, क्योंकि मसालदानी में अगर मसाला भर रहता है तो फिर सब्जी बना रहे हो तो आप ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है मिर्च, और देखिए मिर्च डालते समय थोड़ा सा साइड में गिर गया, तो हल्दी मसाला और धनिया पाउडर, मिर्च वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम आ गए प्लॉट पर, फिर से जा रहे थे, तो मैं यहाँ पर ये वाली जो अभी यहाँ पर बनना शुरू हुआ है, तो ये अभी न्यू लिए और शुरू हो गया बनना। और ये बगल में जो घर बन रहा था, ये दो मंजिल बन रहा है, इनके बच्चे नहीं हैं, बस दो ही है, हस्बैंड वाइफ दो ही लोग हैं। और ये भी बनना शुरू हुआ है 20-25 दिन कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे सड़कें की हालत कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट डे मैंने आया तो मैंने सोचा कि कुछ जो है काम जो हमने बो के रखा है उसको पहले हम देखते हैं, और फिर लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं कि क्या चीज़ हमें ले जाना है, कहाँ हमें पानी का पाइप लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, तो ये सारी चीज़ें। और ये मिर्च की मैंने परसों गुड़ाई करी थी, इसमें थोड़ा सा ना लुटरा वाला रोग लग चुका है। और इसमें मैंने चना बो के रखा है, और आप यहाँ पे देख लीजिए मैंने इतने गेंदे के पौधे लगा के रखे हैं, जिसमें से एक ही गेंदे का
पौधे में फूल आपको आया हुआ दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है और बाकी सब नाराज हो के बैठे हैं। और मैंने ये क्यारी का मिर्च जो साफ़ किया और इसके बाद यहाँ पे जितने भी घास वगैरह है वहाँ पे इकट्ठा किया, और ये मैंने लगा के गई थी, उसके बाद ये उखड़ गया है तो इसको मैं फिर से लगाऊंगी। और फिर लगाने के बाद दो तीन दिन के बाद मैं वेट कर रही थी कि यार इसमें जो है ग्रीन पन नहीं आया, तो जब मैं इसमें पाइप से पानी लगाई फिर उसके बाद ये तब जड़ उसका जब पानी पाया मिट्टी से तब जाके जड़ सही हुआ। और इस साइड में आपको सीधा प्याज ही दिख रहा है और ये लहसुन है, लहसुन के साथ मूली है और मैं मूली को यहाँ पे उखाड़ ले रही हूँ। दो चार मूली खाने लायक है जो वो उखाड़ ले रही हूँ। और इसके पहले जो मूली लगाई हूँ तो उसका मैं मूली का पराठा बनाऊँगी। तो ये भी मूली जो है दिख रही है खाने लायक, ताज़ी ताज़ी एकदम। श्रेया कह रही थी मम्मी ये तो पूरा बिल्कुल दुकानों जैसे बाहर से हम मार्केट से बाज़ार से लेके आते हैं बिल्कुल वैसे ही है। कुछ मूलियाँ बहुत ही लंबी हो गई हैं और अब आप बारी आती है पुदीने के, तो मैं पुदीने को नहीं सोची थी कि मेरा पुदीना गर्मी के बाद ये बचेगा, बट अभी बचा हुआ है और इसमें अच्छे से ग्रोथ आया। बहुत ही सुंदर पत्तियाँ लग रही हैं ग्रीन ग्रीन से, ये ठंडी में जो इस समय ग्रीन ग्रीन से हुआ है वो है, और गर्मियों में थोड़ी पत्तियाँ सूख जाती हैं। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पुदीना है पूरा। और ये है तुलसी की पौधा जो कि आधा सूख गया है, और ये मेरे बगल में जस्ट मेरे बगल एक प्लॉट के बगल में है, ये दोनों घर आमने सामने हैं। और वो सूरज भगवान जी आज बादल में छुप के बैठे हैं, बहुत ही तिरछी आँख से देख रहे हैं, तो आज धूप नहीं निकला है और बस बिल्कुल आँख बंद करके भगवान रखे हैं। तो फिर इसके बाद आप समझ लीजिए कि मैंने अपने काम में लग गई। फिर मुझे नहीं लगा कि मुझे फिर ठंडी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो मैं यहाँ पे सॉल लेके आई हूँ। और सॉल मतलब रखना पड़ा मुझे। और उसके बाद यहाँ पे जो मूली मैं निकालूँगी ना वो मूली है मुझे बनाने के लिए पराठा, तो उस मूली को उखाड़ लूँगी। कुछ मूली सफ़ेद सफ़ेद से आपको देखने को दिख रहे होंगे, इसमें आ गए हैं फूल। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तक मैंने जो मार्केट से फूल मतलब मूली की बीज लेके आती हूँ उसी को बोती हूँ, देखती हूँ अगर मूली का इसमें फल आ जाएगा तो इसको हम इकट्ठा करके रख देंगे। और फिर मैं एक एक करके जो मोटी मोटी सी मूली मुझे दिख रही है उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि पराठे बनाने के लिए अगर आपको ये जो है मूली मोटी रहे तो थोड़ा सा ग्रेट करने में अच्छा रहता ना। और फिर उसके बाद मुझे उम्मीद ही नहीं था कि इतनी मोटी मूली निकलेगी, क्योंकि उसकी पत्ती इतनी हैवी थी पूरे ऊपर ढक के रखी थी। और फिर आपको मैं वो मूली दिखाती हूँ कैसी है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी मोटी सी मूली इतनी पत्ती में छुपी बैठी है, तो ये सबसे मोटी है। कैमरे में उतना नहीं आ रहा है लेकिन बट सबसे हैवी मूली है। तो चलिए ये था हमारा प्लॉट का सफ़र, और कैसा रहा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू।